अब आपने बोला देखो जैसे कुछ एक बच्चे प्लस टू करते हैं फिर वो पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता, छोड़ देते हैं, तो उसका रीज़न ये रहता है कि चलो कुछ एक इकोनॉमिकली प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर बच्चों का मतलब उस तरह से ध्यान डाइवर्ट हो जाता है क्योंकि ये एज फैक्टर ही ऐसा और होता ऐसा है। नहीं है, यहाँ के गांव के बच्चों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत एनर्जी होती है, लेकिन रीज़न ये होता है कि उसको दिशा कौन देता है और किस तरह से देता है। त्रामट रोपड़ी, तो यहाँ तक के लोगों ने मतलब जो है मुझे इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बाकी हमारा स्टाफ भी बहुत सपोर्टिव है। हमने जैसे एज अ मतलब यहाँ पे एक स्टडी का एक माहौल तैयार तो किया हुआ है। कहना तो सबको पता है कि ये ज्वालामुखी है, लेकिन रीज़न ये है कि वो क्रिएट कैसे हुआ, उसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो पता है टेक्टोनिक फोर्स लगी, टेक्टोनिक फोर्स के बाद जो था धरती का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने के बाद जो था उसने ज़मीन को फाड़ा, उसका एक हिस्सा ऊपर की तरफ को उठ गया, तो मतलब वोल्केनो बन गया ना। वो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। जैसे हम किसी चीज़ को करते हैं ना तो मतलब उस चीज़ के पीछे जो है वो चीज़ें जुड़ी हुई होती है, मतलब स्टेप बाई स्टेप। तो उसी तरह एजुकेशन का भी वैसा है, पढ़ाई करने का अपना अलग ही मजा होता है। नमस्कार, खबरखास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद हैं चौंतड़ा में। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ जोगिंदर नगर के चौंतड़ा का प्रमुख शहर है और आज मैं यहाँ पे आया हूँ न्यू जनरेशन स्टडी सेंटर में। मेरे साथ कमलेश्वर जी मौजूद हैं जो इस स्टडी सेंटर के मालिक हैं या MD कहें हम इन्हें। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरखास टीवी में सर। नमस्कार भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टडी सेंटर पर पधारने पर, और सभी जनता को मेरा नमस्कार प्रणाम। कमलेश्वर जी, एक चीज़ जिस तरह से हमारे दर्शकों को श्रोताओं को एक चीज़ हम क्लियर कर दें कि जितने भी जो बच्चे हैं, जैसे बच्चे आते हैं तो बच्चे स्टडी करते हैं, प्लस टू तक पढ़ते हैं, मैट्रिक प्लस टू के बाद उनको कन्फ्यूज़न रहता है, घर वालों को कन्फ्यूज़न रहता है वो क्या करें आगे जाके, उनके क्या करना है। और काफ़ी सारी क्योंकि ये जो एज होती है इसमें काफ़ी सारी चेंजिंग रहती है क्योंकि हमारे जो हार्मोन्स हैं वो उसमें बदलाव आता है, वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है हमें समझ नहीं आती है कि करना क्या है एक्चुअली में। तो आपका जो स्टडी सेंटर, सबसे पहले जानना चाहेंगे किस किस विषय पे, किन किन विषयों पे जो है यहाँ पे स्टडी करवाई जाती है। देखो सर, सबसे बड़ी बात यह है कि हम भी जैसे गाँव से उठे हुए लोग हैं, मतलब जो हमारे पेरेंट्स से मदर हाउसवाइफ हैं और पिताजी वेटनरी फार्मासिस्ट हैं। तो जो आपने बात कही कि गांव के लोगों को मतलब थोड़ा पता नहीं होता है, उसको कम नॉलेज नहीं बोल सकते, लेकिन जिस हिसाब से परिवेश है तो उस हिसाब से वो चीज़ें जो है वो मैनेज होती है। बाकी नेचर का एक नियम है, वही आपको ऊपर उठाएगा और वही आपको नीचे लेके जाएगा, लेकिन आपका मतलब उसमें ये रहना चाहिए कि आप मेहनत किस तरीके से कर रहे हैं, और मेहनत करने के लिए भी फिर आपको एक वे डिसाइड करना पड़ेगा। आप सही बोल रहे हो, जैसे प्लस टू के बाद जैसे हार्मोन्स चेंज होते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत सारी चीज़ें घटित होती है व्यक्ति के साथ, अगर उसको सही दिशा मिल जाए तो व्यक्ति बहुत आगे तक जाता है। मे भी आपको पता, आप गांव के लोगों के पास जैसे अपना काम धंधा करते हैं तो टाइम कम होता है, और फिर आजकल आपने देखा कि फोन्स का इतना ट्रेंड चला है कि मतलब उसमें चलो पेरेंट्स को भी हम दोस्त नहीं दे सकते या बच्चों को भी नहीं दोस्त दे सकते, लेकिन मतलब फ़ोन एक ऐसी चीज़ आ गई है समाज में कि जिसकी वजह से मतलब अगर उसका देखो एक वेस्ट यूज़ भी है और एक नेगेटिव यूज़ भी है। अब फ़ोन पे आप गूगल में कोई भी चीज़ डालो, उसको सर्च करो, तो आप दुनिया की आपको हर एक जानकारी उसमें मिल जाएगी। तो मतलब अगर आप उस चीज़ का बेस्ट वे यूज़ करते हैं तो वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन जैसे आजकल बच्चे उसमें फ्री फायर्स खेल रहे हैं, PUBG हो गया, जैसे नई नई गेम्स, तो उससे बच्चों की मानसिक शक्ति जो है वो डाउनफॉल पे जा रही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमने यहाँ पे मतलब जैसे शुरू में किया, मेरा ग्रेजुएशन जो है वो RGMC कॉलेज से ही हुआ है और MA मेरा HPU यूनिवर्सिटी से हुआ है। फिर उसके बाद जैसे हम घर में आए तो मैं HAS वगैरह की प्रेपरेशन कर रहा था, तो मैंने 5 साल लगाए थे उस तैयारी के लिए। फिर उसके बाद मेरा NCCC सर्टिफिकेट भी रहा है, मतलब जो मेरा पर्सनल अनुभव रहा, तो मैंने बहुत बार आर्मी का ग्राउंड भी निकाला, लेकिन मैं मेडिकल अनफिट हूँ क्योंकि मेरा घुटने जुड़ जाते हैं ये नोकनी प्रॉब्लम की वजह से। फिर जैसे जैसे ज़िंदगी हमें रंग दिखाती रही तो हम अपने हिसाब से उस पर मेहनत करते रहे और ढलते रहे, पर रीज़न ये था कि हमें उस टाइम ये दुख होता था कि यार हम इतना कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। इवन दोस्त मतलब मैंने भगवान को भी दोष देना उस चीज़ पर शुरू कर दिया था, लेकिन लास्ट में एक पॉइंट ऐसा आया कि अब लगा कि नहीं यार, जो होगा मतलब वो देखा जाएगा,
जो परमात्मा को मंजूर होगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल है, जैसे हमारे घर में कोई दिहाड़ी मजदूर के लिए लगा है तो हम उसकी दिहाड़ी नहीं छोड़ते हैं। फिर ऐसे माइंड पे थॉट आया, किसी ने समझाया कि यार जब हम किसी मजदूर की दिहाड़ी नहीं छोड़ते तो परमात्मा एक बहुत बड़ी चीज है, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको उसका वो डबल लौटा के देगा। फिर ऐसे ही घर में जैसे धीरे धीरे ट्यूशंस वगैरह पढ़ाना शुरू किया, फिर फर्स्ट ब्रांच की शुरुआत वहीं से ऐसे धीरे धीरे हो गई, लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया, क्योंकि हमारा मेन मोटो पैसे के लिए नहीं था शुरू से भी, और आज भी मैं मतलब पैसे को उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देता हूँ। तो उधर बिल्डिंग अपना था, तो जैसे धीरे धीरे करते मैंने और सिस्टर ने वहाँ से शुरुआत की थी। उसके बाद फिर हमने दो चार टीचर्स भी वहाँ पे हैंडल किए। फिर उसके बाद इसमें मेन योगदान नेत्र भाई का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, जो आर्मी रिटायर्ड पर्सन है और डॉग ग्राउंड में जो है वो दौड़ाते हैं चीज़ों को, मतलब बच्चों को जो है वो दौड़ाते हैं। फिर ऐसे ही उनके साथ जैसे बातचीत हुई, फिर हमारे एक होली चाइल्ड पब्लिक करके स्कूल है, उसके पहले ओनर थे राजेश ठाकुर जी, हमारे गांव के प्रधान रह चुके हैं, तो उनका मतलब हमारे साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। फिर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, फादर साहब ने मोटिवेट किया, तो फिर वैसे वैसे वहाँ से चलते चलते, तो मेरी फर्स्ट अकेडमी का उद्घाटन नेत्र भाई ने ही किया था उस समय। फिर ऐसे चलते चलते फिर आर्मी के बैच वहाँ से निकाले, फिर बहुत सारे बच्चों की हमने सिलेक्शन दी। फिर उधर 3 साल हो गए थे मेरे को मे भी, और मैंने 30 साल के बाद फिर यहाँ पे एक स्टेप ले लिया कि मैं क्या, चलो अब थोड़ा सा चौंतड़ा की तरफ को जो है वो रुक करते हैं। अब आपने बोला देखो, जैसे कुछ एक बच्चे प्लस टू करते हैं फिर वो पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता, छोड़ देते हैं, तो उसका रीज़न ये रहता है कि चलो कुछ एक इकोनॉमिकली प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर बच्चों का मतलब उस तरह से ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि ये एज फैक्टर ही ऐसा होता है। तो जैसे किसी बच्चे ने माना कि प्लस टू की है, उसके बाद उसको लगता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ के जो है वो फौज के लिए अप्रोच करते हैं चीज़ों को, क्योंकि हम उतने साधन संपन्न नहीं होते, हम मिडिल क्लास से ही आते हैं एचपी पे जितने भी लोग हैं, यूनो फर्स्ट क्लास में तो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह ही आते हैं। तो हिमाचली का तो यही रीज़न है कि रोज कमाओ रोज खाओ, और जो जॉब में है तो वो भी बेचारे मतलब अपने हिसाब से जो है वो चीज़ों को सेटल करते हैं। और ऐसा नहीं है, यहाँ के गांव के बच्चों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत एनर्जी होती है, लेकिन रीज़न ये होता है कि उसको दिशा कौन देता है और किस तरह से देता है। तो इसी वजह से मैं इधर भी आया था चौंतड़ा पे, और यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और चौंतड़ा के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इवन दोस्त यहाँ के जितने भी गाँव हैं, खज लाड टिकरी मुशहरा, अपना ये लोअर चौंतड़ा कोहरा, फिर आपका ये खलेई हो गया, फिर उसके साथ साथ हमारा ये त्रामट रोपड़ी, तो यहाँ तक के लोगों ने मतलब जो है मुझे इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और बाकी हमारा स्टाफ भी बहुत सपोर्टिव है। हमने जैसे एज अ मतलब यहाँ पे एक स्टडी का एक माहौल तैयार किया हुआ है, तो हम टीचर्स भी जैसे फ्री होते तो आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, और टीचर्स जो है वो हमने वेल एजुकेटेड रखे हुए हैं, मतलब जो बहुत पहले स्कूल्स में भी पढ़ा चुके हैं 10 से 12 साल तक। क्योंकि मेरा मोटो यही रहा था कि अगर हम किसी को एजुकेशन दे रहे तो उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए, क्योंकि रीज़न ऐसा है ना, मेरा मानना है मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। अगर आप किसी बच्चे को कोई चीज़ सिखा रहे हो तो वो उसके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस चलना चाहिए, और उसको ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि जैसे घटित हुई तो कैसे घटित हुई। फॉर एग्जांपल जैसे वोल्केनो है, तो अब वोल्केनो तो सबको पता है कि ये ज्वालामुखी है, लेकिन रीज़न ये है कि वो क्रिएट कैसे हुआ, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, तो पता है टेक्टोनिक फोर्स लगी, टेक्टोनिक फोर्स के बाद जो था धरती का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने के बाद जो था उसने ज़मीन को फाड़ा, उसका एक हिस्सा ऊपर की तरफ उठ गया तो वोल्केनो बन गया, उससे मैग्मा निकल गया, और उसमें फिर रीज़न ये रहा कि फिर उसमें भी टाइप्स आ गए, जैसे मैग्मा में फिर चीज़ें आ गई, जल वाष्प आ गया, गैसें आ गई, फिर उसके पश्चात जो है वो 3 टाइप्स में बंट गया, जैसे प्रसुप्त जिसको डोरमेंट बोलते हैं सक्रिय एक्टिव हो गया, ठीक है, और एक्सटिंक्ट जो है वो शांत हो गया। तो इसी तरह से उसको मतलब हम जो भी चीज़ करवाते हैं मतलब डिटेल में, मतलब रट्टा जो है ना वो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। जैसे हम किसी चीज़ को करते हैं ना तो मतलब उस चीज़ के पीछे जो है वो चीज़ें जुड़ी हुई होती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो उसी तरह एजुकेशन का भी वैसा है, पढ़ाई करने का अपना अलग ही मज़ा होता है। अगर आपका बेस क्लियर है और आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं तो पढ़ाई एक नशा है, जो उसको जितना ज़्यादा करेगा उसको उतना ज़्यादा मज़ा आता है उस चीज़ को करने में।
चलिए, आपने कहा कि पढ़ाई एक नशा है और वैसे भी हमारा यूथ जो है कहीं ना कहीं इस नशे की ओर बढ़ेगा तो अच्छा होगा, क्योंकि फ्यूचर भी बच्चों का, हम कहें जो हमारा यूथ है वो यहीं से, आपने कहा जैसे मैट्रिक या प्लस टू के बाद ही हम सही दिशा पे अगर चले गए तो यही भारत का भाग्य जो है वो लिखते हैं और भारत का भाग्य जो है यही बच्चे जो है वो बनाते हैं। हालाँकि एक चीज़ जानना चाहेंगे कमलेश्वर जी आपसे कि आपने जो अपने इंस्टीट्यूट को या हम कहें जो स्टडी सेंटर है इसको नाम दिया है आपने न्यू जनरेशन, क्योंकि न्यू जनरेशन के पीछे क्या रीज़न रहा है जो आपने अपने स्टडी सेंटर का नाम दिया है? सर देखो, वैसे तो मैं नाम बहुत सारे चूज़ कर रहा था, मेरे साथ वही प्रधान साहब बैठे थे तो हम बहुत देर तक सोचते रहे, फिर एक कंक्लूज़न निकाला हमने लास्ट में कि चलो अब देखो हम भी यंग जनरेशन में हैं तो कोई एक ऐसा यूनिक सा नाम लिया जाए जो लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्ट करे। अट्रैक्ट इन द मीन्स कि उसका ये मतलब नहीं था कि नाम से लोग मेरे पास आए या मतलब मुझे इस नाम से जाने। फिर उसमें थोड़ा सा परमात्मा का भी हाथ रहा, उसने हमें दिशा दी, निर्धारित की चीज़ें, तो ये रैंडमली थॉट आया था वैसे माइंड पे, तो हमने उसी टाइम इसको डायरी पे मतलब नोट डाउन करके और उसी तरीके से इसको आगे को चला दिया था। कोई स्पेसिफिक चीज़ सोच समझ के नहीं हमने ये चूज़ किया था, जो हमें लगा हमने उसको एज इट इज ही जो है वो रहने दिया। फिर एक चीज़ लेते हैं जो आपने न्यू जनरेशन का दिया है और जिस तरह आपने अलग अलग स्टडीज़ की बात यहाँ पे करी है, अलग अलग एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे जो है आपके माध्यम से जो है वो पढ़ाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है, उस लेवल पर इस तरह की प्रिपरेशन की जाती है कि वो जो है समय आने वाले समय में जो है उस मतलब उसको उत्तीर्ण कर सके, हम ये कहें कि उस मुकाम को बच्चे जो है हासिल कर सके और कल को जो है यही बच्चे जो है HAS या IAS IPS या बड़े बड़े पदों पे जो है वो पहुंच सके। तो हम आपको एक चीज़ ये बता दें दर्शकों को स्पेशली कि इस जो इंस्टीट्यूट है ये चौंतड़ा में है, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप इसका एड्रेस ही बता दें लोगों तमाम जनता। सर ये चौंतड़ा मेन मार्केट है, तो चौंतड़ा मेन मार्केट में ही जो है ये इंस्टीट्यूट है। बाकी मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहता हूँ, जैसे हमारा ये नहीं है कि हमने किसी को ठगना है या किसी से हमने पैसे ऐंठने हैं। मैंने 5 डेज का डेमो फ्री रखा हुआ है, किसी को पसंद आता है तो वो रुक सकता है, हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। हम आर्मी, पुलिस, SSC, GD, क्लर्क, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, ऑल HP कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के ऊपर जो है हमने फोकस करके रखा है, और ट्यूशन जो है वो तो हमने बेस चलाया ही हुआ है। हम 5th से लेकर +2 तक का पूरा ट्यूशन देते हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, साइंस, जो भी है जैसे 10th तक, तो जो भी बच्चे ने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो उस हिसाब से। और फीस का ऐसा है कि फीस हमने क्लासेस के हिसाब से अलग अलग तरीके से सेटअप किया हुआ है, और फीस का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया हुआ है ताकि जिससे जो है मतलब पेरेंट्स को भी उसके ऊपर कोई बोझ ना हो। और जब हम क्वालिटी दे रहे हैं तो मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास क्वालिटी है तो लोग आपको खुद मतलब जो है वो विजिट करेंगे, क्योंकि अगर मेरा काम अच्छा है ना, मैं नहीं बोल रहा कि जैसे और अकेडमीज़ हैं सभी अपनी जगह परफेक्ट होते हैं, सभी बहुत अच्छा करवाते हैं, मैं किसी की लेग पुलिंग या किसी की बुराई करने में मतलब जो है वो सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक कतरा सा हूँ करने करवाने वाला परमात्मा, और हमारा हार्ड वर्क होता है उस चीज़ के ऊपर। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी बच्चा है वो यहाँ से बेटर एजुकेशन लेके निकले, और मेरा तो यही रहता है कि जैसे मेरे पास 50 है तो मेरी तो कोशिश यही रहती है कि अगर 50 में से 50 निकले तो बहुत बेटर है। लेकिन अब बोलते ना कि मेहनत और लक का दोनों चीज़ों का एक साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये मेरा पर्सनल अनुभव भी रहा है इस चीज़ के ऊपर, होना ना होना वो परमात्मा के हाथ में होता है, क्योंकि हम 100% जो है वो चीज़ें जो है वो दे सकते हैं। कमलेश्वर जी एक चीज़ जानना चाहेंगे, आपने कहा कि आपके स्टडी सेंटर पे, हम जानना चाहेंगे कि आज तक यहाँ से कितने बच्चे जो हैं उन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है यहाँ से क्वालिफाई किया हो, या आर्मी की टेस्ट की बात कर लेते हैं, दूसरे किसी भी जैसे पुलिस की बात की आपने, या दूसरे अन्य जो भी एग्ज़ाम होते हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपके यहाँ के बच्चे जो हैं पिछले 2 सालों से जिस तरह से आप इसको चला रहे हैं, अभी तक 2 साल पूरे नहीं हुए आपके इंस्टीट्यूट को, तो कितने बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं? सर अभी तक तो मतलब अगर जोड़ा जाए तो 17 बच्चे आर्मी में हमने इसी ब्रांच से निकाले हैं, एक नेवी SSR में जो हमने परीक्षा उत्तीर्ण मतलब जो है बच्चे से करवाई है, बाकी 2 हमारा इस पे नवोदय पे रहा है, और 2 ही सैनिक स्कूल पे जो है वो रहा है। अभी हमारा ये सेकंड जो है वो मतलब ईयर जो है वो रनिंग पे है, और मतलब हम चाहेंगे कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट जो है वो चीज़ों पर दे पाएँ। आपने बड़ी बात कही है कि 5 दिन के लिए आप फ्री में डेमो सेशन यहाँ पे देते हैं,
और ये जो फ्री डेमो सेशन की बात है, इसमें कोई भी आदमी आ सकता है? इसमें आपसे पहले पहले फीस ले लेते हैं कि 5 दिन के बाद लेते हैं? जैसे कोई व्यक्ति आता है या कोई बच्चा यहाँ पे आता है, वो देखता है 4-5 दिन, वो देखता है, उसको लगता है कि मैं कर पाऊँगा, या पेरेंट्स को लगता है? कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंस्टीट्यूट जो हैं, हम सबकी बात तो नहीं करेंगे, पहले ही एडवांस पेमेंट मांग लेते, कुछ इस तरह की बातें हों। सर देखो, रीज़न ये है ना, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो जितना भी ट्यूशन सेंटर है वो फीस एडवांस लेते हैं, लेकिन मैंने ऐसा रखा है कि 5 डेज तक हम किसी का फी कोई चार्ज नहीं करते हैं। 6 डे जो है हम उससे फॉर्म भरवाते हैं, और जैसे टेस्ट का जो है वो हमने पैकेज रखा हुआ होता है। अगर बंदा एक किस्त में ना दे पाए, मतलब हम पूरा समझते हैं उसको, पेरेंट्स की फीलिंग को भी समझते हैं, तो वो हमें जो है वो 2 किस्तों में डिवाइड करके दे सकता है, ताकि उसमें पेरेंट्स को भी दिक्कत ना और हमें भी दिक्कत ना हो। क्योंकि अब आपको पता, रेंट देना, 6 टीचर मेरे अलावा और हैं, खुद मैं टीच करता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है सर उस चीज़ के ऊपर। तो जाना चाहिए, अब आने वाले समय में जो है वो कौन कौन से इसमें एडमिशन जो है बच्चे ले सकते हैं, जिस तरह से बात करेंगे, नया सेशन कोई बैठ रहा हो आपका यहाँ? सर अभी तो हमने एक ऑल कॉम्पिटेटिव का एग्ज़ाम का जो है वो चला के रखा हुआ है, और TGT कमीशन का भी जो है वो हमने चला के रखा हुआ है अभी एट प्रेजेंट टाइम पे बैच। तो अभी 5 तारीख से जो है हमने स्पेशल एक HP पुलिस के लिए जो है वो 3 मंथ का क्रैश कोर्स का जो है वो एक जो है वो तैयार किया हुआ है उस बैच के लिए, वो स्पेशली क्रैश कोर्स है, जिसमें 2000 जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप करवाए जाएंगे, और बाकी बच्चों को 3 महीनों में सब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा उसमें, ताकि बच्चे से जो है पहले सब्जेक्टिव करवाया जाएगा, 2000 क्वेश्चन उसको लास्ट में करवाए जाएंगे। और हमारा जो करवाने का तरीका है वो बहुत ही यूनिक है, जैसे हम जो भी टेस्ट लेते हैं उसके लिए हर टेस्ट के लिए एक कॉपी लगवाई गई है, और उसमें जैसे आज पढ़ाया गया तो 2 दिन के बाद जो है जैसे चैप्टर क्लोज हुआ तो हम उसका 2 दिन के बाद टेस्ट ले लेते हैं, ताकि उससे व्यक्ति को क्या है वो चीज़ें रिकॉल होती रहे। जैसे आज का करवाया, पहले तो उसको वर्बली सुन लेते हैं, फिर आफ्टर 2 डेज के बाद जो उसका टेस्ट ले लेते हैं, और 15 दिन के बाद जो है उसको बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन पेपर छपा के एक बड़ा सा जो है वो टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर देते हैं। मतलब महीने में 2 बड़े टेस्ट लेते हैं हम, और हफ्ते में जो है सैटरडे वाले दिन जो है वो पूरा हफ्ते का एक टेस्ट रखा हुआ है, और 2 दिन के बाद जो 2 दिन का वर्बली पढ़ाया होता है उसको पूरा जो है वो मतलब बच्चे से जो है उसका फीडबैक लेके जो है वो पूरा क्रिएट करते हैं। बाकी एडमिशन फॉर्म पे तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी यही रहती है, हम पेरेंट्स का नंबर ले लेते हैं, हम बच्चों पे चेकआउट भी रखते हैं, कौन आ रहा है, कौन मिस हो रहा है। जैसे कोई बच्चा 1 दिन से ज़्यादा बिना छुट्टी से एबसेंट पाया जाता है तो हम पेरेंट्स को जो है अवगत करवा देते हैं, उसको कॉल कर देते हैं, क्योंकि आपको पता आजकल नशा जैसे बढ़ गया है, बहुत सारी चीज़ें समाज में बढ़ गई है, तो ये जो बच्चे होते हैं ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। 9 से 5 बजे तक हम यहाँ होते हैं, तो 9 से 5 बजे तक तो हम मतलब जो भी है जब तक वो एकेडमी में है तब तक वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम उसको मतलब जो है बखूबी निभाते हैं। आपने बात की है 9 से 5 की, यहाँ पे जानना चाहेंगे आपसे कि टाइमिंग क्या है आपके एकेडमी की? क्या बच्चा जैसे कोई एक कोर्स के लिए यहाँ पे आता है तो उसकी टाइमिंग कितनी रहने वाली है यहाँ पे? सर जो सुबह हम कोर्स चलाते हैं वो 10 से लेकर 1 बजे तक जो है हम बच्चे को पूरा टाइम देते हैं, उसमें हम पॉलिटिकल भी करवाते हैं, इंडियन पॉलिटिकल साइंस, उसके साथ साथ ही हिस्ट्री, जियोग्राफी, और आपका इकोनॉमिक्स, मैथ्स, रीजनिंग, उसके लिए जो है मैथ्स और रीजनिंग के लिए हमने 3-3 डेज जो है वो बांटे हुए हैं। बाकी रीज़न ये है कि हम तो बच्चों को एडवाइस भी देते, जैसे किसी ने एडमिशन नहीं लेनी है तो मतलब मैंने कभी भी किसी को मिसगाइड नहीं किया, क्योंकि देखो ना हमने धक्के खाए हुए हैं अपने टाइम से, तो मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा जो है अगर मेरे पास आया तो मैं उसको मिसगाइड ना करूँ। अब जिस फील्ड का मुझे नॉलेज है अगर कोई मेरे से एडवाइस चाहता है तो मैं उसको पूरी एडवाइस देता हूँ। अब जैसे देखो हम पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक सिलेबस होता है, आर्मी की तैयारी कर रहे हो उसके लिए एक सिलेबस होता है, तो जो आप जैसे जितने भी टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें पॉलिटिकल भी हिस्से में बंटा हुआ है, जियोग्राफी भी उसमें बंटी हुई है, HP GK भी उसमें बंटा हुआ है, तो हम बच्चों को जो है वो पहले सिलेबस तैयार करके देते हैं कि आपने ये सिलेबस जो है इतना इतना इस तरीके से जो है वो आपने करना है। बाकी नोट्स का ऐसा रहता है, नोट्स हम यहीं क्रिएट बच्चे से करवाते हैं, और उसको मतलब डेली का डेली लिखवा के उससे सुन के, ताकि उसके दिमाग में जो है वो चीज़ ज़्यादा बेहतरी से जो है बैठे, और हम बच्चों को चीज़ें प्रैक्टिकली करवाते हैं।
जैसे ब्लैक बोर्ड में बोल के एनओ करवाया, रिवर सिस्टम करवाया, तो रिवर सिस्टम में जैसे बता दिए कि रिवर्स कितने प्रकार की है, जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ हैं, तो उसमें फिर ये डिवाइड करेंगे कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, जैसे सिंधु नदी होगी, गंगा नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, दक्षिण भारत से हो गया, महानदी हो गया, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, फिर उसमें ये भी डिवाइड करके बतवाते हैं कि जैसे हिमालय से निकलने वाली नदी है तो उसमें 12 महीने जल रहता है। रीजन 12 महीने क्यों रहता है, क्योंकि वो ग्लेशियर से निकलती है, पहाड़ से निकलती है। फिर उसमें वाटर कब बढ़ेगा, जैसे सर्दियों में तो वो मैक्सिमम फ्रीज्ड हो जाती है, गर्मी में जो है बर्फ़ पिघलेगी तो उसमें वाटर का स्तर जो है वो बढ़ जाता है, और जो दक्षिण भारत की नदी है उनमें बरसात के कारण जो है वो जल बढ़ जाता है, और वही जैसे जो नदियाँ हैं वही दक्षिण भारत में बिहार में जैसे बाढ़ भी जो है ये नदियाँ जो है वो लाती है। तो इस तरीके से बच्चे को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आउट करके और जियोग्राफी को जैसे मैप में करवा के और पॉलिटी में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को करवाएंगे, उसमें उसके पार्ट्स करवाएंगे, भाग करवाएंगे, आर्टिकल्स करवाएंगे, फिर उस आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट्स करवाएंगे, फिर उसमें फंडामेंटल राइट्स के साथ संघ की शासन व्यवस्था करवाएंगे जिसमें राष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति आएगा, आपका प्रधानमंत्री आएगा, उसके साथ साथ ही फिर राज्य की व्यवस्था आएगी जिसमें राज्यपाल आएगा, मुख्यमंत्री आएगा, विधानसभा आएगी। तो इस तरह से जो है मतलब बिल्कुल एक सिस्टमेटिकली तौर से जो है वो बच्चों को चीज़ें जो है वो करवाई जाती है, ताकि उससे उनको भी ईजी रहे, ताकि उससे उनका मेंटल लेवल भी जो है वो बिल्कुल मतलब मानसिक क्षमता जो है वो बनी रहे। और टाइम टू टाइम जैसे अभी हमने हेल्थ चेकअप ऑर्गेनाइज करवाया था, हम बच्चों का हेल्थ चेकअप भी करवाते हैं, उसमें पूरा चौंतरा शहर ने भी भाग लिया था, और उसके साथ साथ जैसे हम पिकनिक भी करवाते हैं बच्चों की, आउटडोर एक्टिविटीज भी करवाते हैं, ताकि उनका मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी जो है वो बच्चों का होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जी चलिए, जिस तरह से आपने पूरी तरह से जिक्र किया, एक चीज़ यहीं से जान लेते हैं कि ये जो टाइम पीरियड रहने वाला है इन किसी भी एग्ज़ाम को लेकर बात करेंगे, जो बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेगा, ये कितने कितने महीनों के जो है, आपने पैकेज की बात की, कोर्सेज जो है कितने कितने महीने के टाइम पीरियड के रहने वाले हैं? सर देखो, हर कोर्सेज के लिए हमने एक हर टाइम जो है वो बनाया हुआ है। जैसे किसी ने कॉम्पिटेटिव का लेना है तो हमने मतलब 8 महीने से ऊपर कोई भी कोर्स नहीं बनाया हुआ, वो इसलिए नहीं बनाया है, 8 महीने तक जो है हम उनको पूरा करवा के दे देते हैं A to Z, कि वो हिमाचल के किसी भी टेस्ट को, चाहे फॉरेस्ट गार्ड दे रहा है, चाहे पुलिस दे रहा है, चाहे मतलब वो है अपना पटवारी दे रहा है, मतलब HP के जितने भी टेस्ट कंडक्ट होते हैं कॉम्पिटेटिव में, जैसे कंडक्टर हो गया, HRTC अलाइड्स हो गया, तो उसको हम 8 महीने में करवा देते हैं, और 4 महीने मतलब जो है हम उसको फुली रिवीजन के लिए जो है और मॉक टेस्ट के लिए देते हैं। मॉक टेस्ट हम खुद क्रिएट करते हैं और उन्हीं 4 महीनों में जो है वो हम उनको मॉक टेस्ट जो है वो देते हैं और उसका पूरा फीडबैक लेके उनका टेस्ट क्रिएट करवाते हैं, ताकि उसका साल जो है वो बच्चे का पूरा हो जाए। और उस साल में मात्र हमने फीस जो है वो पूरी 7500 फीस रखी हुई है, पूरे 12 मंथ की, पूरे 12 मंथ की ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो है हमने वो 7500 रुपये जो है वो फीस रखी हुई है। और जो अभी हम पुलिस का बैच शुरू करने जा रहे हैं 3 मंथ का, तो इसमें हमने पेरेंट्स के ऊपर भी कोई बोझ नहीं रखा, तो इसके लिए 3000 रुपये जो है हमने स्पेशली क्रैश कोर्स की जो है ये फीस अनाउंस की है। बिल्कुल सर, आप भी किसी प्रकार की इस तरह की एग्जामिनेशन की, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, हिमाचल पुलिस के लिए हो, चाहे जिस तरह से इंडियन आर्मी के लिए हो, या अन्य प्रकार की जितने भी कोर्सेज की बात कमलेश्वर जी ने की है, तो आखिरी में जैसे बच्चे अब पेरेंट्स आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो किस माध्यम से कर पाएंगे? सर कॉन्टैक्ट के लिए तो चलो हमने बोर्ड भी लगाया, लेकिन फिर भी मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो जनता के सामने जो है जाहिर करना चाहता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 70185 21 423। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, 70185 21 423। तो इससे आप जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और किसी को अगर लगता है कि वो पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, इकोनॉमिकली कंडीशन मतलब नहीं बेहतर है, तो वो स्पेशली बच्चा मेरे से आके मिले, हम उसके लिए कोई ना कोई अल्टरनेट जो है वो जरूर निकालेंगे, ताकि उसके लिए भी जो है वो बच्चा भी जो है सबके साथ आगे मिलकर जो है वो बढ़ सके। जिस तरह से आपने बात की, कोई बच्चा जो है फाइनेंशियल वीकर है, इतना बजट उसके पास नहीं हो, लगता है कि वो नहीं कर पाएगा, तो वो सर से मिल सकता है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खबरकास्ट TV को आपने कीमती समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सर।
चलिए तो मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यू जनरेशन स्टडी सेंटर है ये चौंतरा के मेन शहर पे है, और ये हमारे साथ कमलेश्वर जी थे जो इस के संचालक हैं, मुख्य संचालक हैं जी, और इनकी एक ब्रांच जो है वो ढेलू में भी है, जोगिंद्रनगर ढेलू में। तो आप इनका जो नंबर दिया है उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फिर बताना चाहेंगे ये खबर जो है आपको, अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो भी बहुत प्रमुख हो जाती है। हालांकि स्टडी सेंटर इस तरह के कई सारे चलते हैं, लेकिन इन्होंने जो अपनी मुख्य विशेषताएं बताई हैं कि यहाँ पे जो है पैकेज की भी बात रखी है, कोई बंदा अगर नहीं भी दे पाता है उसकी भी बात कही है, और स्पेशली अलग अलग तरह के जो टेस्ट की तैयारी आप कर रहे हैं ये आपको नहीं समझ आ रही है कि प्लस टू के बाद या मैट्रिक के बाद या ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, तो आप सर से मिल सकते हैं, इनसे इनके एडवाइस ले सकते हैं। तो चलिए खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीष ठाकुर की रिपोर्ट।